हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका जैसे बिल्ला भाई ने आपको हमेशा वादा करते हैं, हमेशा हर वीडियो में कुछ अमेजिंग चीज़ लेकर आते हैं, वैसे इस वीडियो में भी कुछ थोड़ी सारी एक्सेसरीज़ लेकर आया हूँ। ज़्यादा नहीं है, आगे और एक्सेसरीज़ लेकर आऊँगा। और बाकी मैं आपको फिर बता दूँ कि आपको अगर एक्सेसरीज चाहिए तो मुझे कैसे, मैंने तरीका पहले वीडियो में बताया है आपको। पहले पेमेंट करना है ऑनलाइन, उसके बाद मैं आपको बाई कुरियर डिलीवर कर दूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान मिलता है वो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। बुलेट से रिलेटेड ईच एंड एवरी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कोई भी सीट चाहिए हो बेफिक्र मुझे मैसेज करो, कॉल करो, आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है। कोई भी सजेशन चाहिए हो, आपको सॉल्यूशन चाहिए हो बुलेट से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपका भाई कभी फ़ोन उठाने से नहीं कतराएगा, आपसे बात करने से नहीं कतराएगा। आपको कुछ लेना हो, आप मेरे कस्टमर हो या ना हो, मैं आपसे बात करूंगा, आपका सॉल्यूशन निकालूंगा। आइए, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं बहुत अमेजिंग चीज़ है, पुरानी बुलेट में 1962 मॉडल कबीर सिंह वाली बुलेट में ये मिरर आते थे, जलेबी मिरर भी इनको बोलते हैं। तो आपको मैं ये मिरर दिखाता हूँ दोस्तों, ये है वो मिरर, जलेबी मिरर बोलते हैं इसको। देखिए कुछ ऐसे लग जाते हैं, ऐसे करके लगते हैं। देखिए जब आपको बाइक सामने से देखेंगे, हेडलाइट के सामने से, तो ये ऐसे लगेंगे, ये जलेबी मिरर हैं। इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो बाकी डिलीवरी जितने भी डिलीवरी के साथ में लगेंगे वो आपको मैं डिलीवरी बता दूंगा, आप अपना पिन कोड बताना, शहर बताना, बाकी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा आपके डोर स्टेप पर। आपको याद दिना लेने के लिए मैं दोबारा दोबारा बताते रहता हूँ, और वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है कि बहुत से लोग गलत गलत लीवर लगा लेते हैं। अगर आपको कबीर सिंह जैसी 1962 मॉडल जैसी, G2 मॉडल जैसी आपको अपनी बुलेट बनानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया गया है। तो आपको मैं उसमें पहले वीडियो में भी मैंने दिखाया, ये लीवर यूज़ करे गए 1962 मॉडल में, ये लीवर आते थे। और ये लगेंगे कैसे, फिट कैसे होंगे, इसके लिए योक चाहिए होती है। योक कौन देगा, मैं ही दूंगा। यह देखो योक, इसकी योक बिल्कुल अलग है, बहुत अमेजिंग लगते हैं बाइक के अंदर। आपसे बंदा पूछेगा कि भाई कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, आप उसको बताना बिल्ला भाई से लिया। देखिए ये लीवर तो आपको मैंने पहले भी दिखाए, बाकी इन वीडियो में याद दिलाने के लिए फिर दिखा दिए। आइए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वही पहले भी दिखाया था फिर दिखा रहा हूँ याद दिलाने के लिए, उल्टी सुई वाला मीटर स्मिथ्स का। ये किलोमीटर में भी आता है, वाइट में भी आता है, ब्लैक में भी आता है, किलोमीटर में भी आता है, माइल्स पर आवर में भी आता है, जो चाहिए मुझे बताना ना, प्राइस इसका नीचे आ रहा है। दोस्तों बाइकों में बहुत सा आपने देखा होगा बैंड पाइप का क्रोम ख़राब हो जाता है, खासतौर से ओल्ड वाली बुलेट्स में। तो आप उसका क्रोम ख़राब हो गया है तो भी, और वैसे आपका अगर जैसे बैंड पाइप पर पैर लग गया, गर्म जब होती है बाइक तो पैर जल जाता है, तो उससे बचाने के लिए हीट रैप है ये, इसको आप लगा देंगे बाइक पर पूरा, इसको पट्टी है उसको लपेट देते हैं, उसके ऊपर रैप पूरा कर देते हैं, तो इससे आपका बुलेट का जो बैंड पाइप है उससे आपका पैर नहीं जलेगा। और बाकी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। सिमटेक के बल्ब, LED बल्ब, और ये सिमटेक के बल्ब अवेलेबल हैं, इसका प्राइस मैं दिखा रहा हूँ, विद डिलीवरी दिखा दूंगा। तो ये सिमटेक के 4 बल्ब आप ले सकते हैं, इसके साथ में वारंटी भी आती है। देखिए 4 बल्ब हैं ये एम्बर कलर में। आपको मैंने सिमटेक के बल्ब दिखाए, उसके लिए हज़ार्ड फ्लैशर ये लेकर आया हूँ मैं, HKG स्पीडवे, बहुत शानदार है, प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, ड्यूरेबल बहुत है। देखिए ये प्लग एंड प्ले है, ये प्लग इन प्ले है, और जब मैं इसको लगाकर दिखाऊंगा, वैसे और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। और बाकी ये प्लग इन प्ले है, इसको बस ऐसे ही लगा देंगे, ये कपलर लगाना है, ये लगाना है, और ये इसके लिए बटन है, बटन दे रखा है इसमें, बटन में आप देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ है, और ये पैटर्न चेंज करने के लिए। और एक बात और बता दूँ, ये बहुत ड्यूरेबल है, एक यूनिवर्सल आता है 200-300 रुपये का, वो लगाने के बाद में कुछ टाइम में ही ख़राब हो जाता है, ये बहुत ड्यूरेबल है, इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता, विद वारंटी है, 6 मंथ की वारंटी है इसकी स्पीड वेव का, और इसमें वाटरप्रूफ भी है, ये ऐसे आसानी से ख़राब नहीं होता है। दूसरा है, कोई भी आप पैटर्न इसमें लगाएंगे, 16 पैटर्न हैं इसके अंदर, आप कोई भी पैटर्न लगाएंगे तो वो पैटर्न सेव हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि आपने स्विच ऑफ करा, ऑन करा तो पैटर्न चेंज हो गया, इसमें सेव रहेगा, वो जब भी आप ऑन करेंगे वही रहेगा। पैटर्न चेंज करना है तो बटन का ये वाला बटन आपको दबाना होगा, इससे पैटर्न चेंज होंगे दोस्तों। ये ओल्ड मॉडल में स्क्रू से कसने हुए नी पैड्स आते थे, ये मैं आपको दिखा दूँ, इस पर रॉयल इनफील्ड भी लिखा हुआ है दोस्तों, वो हैं ये नी पैड्स, इस पर रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, ये स्क्रू से कसते थे, ये बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, बहुत मुश्किल से, यहाँ भी मार्केट में मुश्किल से मिलता है, वो तो मैं निकाल ही लेता हूँ, आपका भाई तो जुगाड़ कर ही लेता है कहीं ना कहीं से, आपको आप तक पहुँचाने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, जब मेरे यूट्यूब फैमिली मुझसे कुछ मांगे मैं उसको दूंगा नहीं,
ये रॉयल इनफील्ड के नी पैड्स बहुत अमेजिंग लगते हैं। अगर आपको G2 मॉडल बनाना कबीर सिंह जैसी बुलेट तो उसमें ये नी पैड्स लगा सकते हैं आप। देखिए रॉयल इनफील्ड भी लिखा हुआ है और बहुत हैवी है ये ऊपर से रबड़ है, इसके अंदर मेटल है, इधर इधर इसके अंदर मेटल है, ये दोनों तरफ से रबर है और इधर अंदर मेटल है। तो दोस्तों फिलहाल तो ये कुछ एक्सेसरीज थी, आगे और वीडियो लेकर आता रहूँगा। और हाँ मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूँ, नेक्स्ट वीडियो इससे जो आएगी वो उसमें होगा RD350 वाला हैंडल, आपने देखा होगा बहुत चौड़ा हैंडल होता है RD350, यामाहा की RD350 आती थी उसमें जो हैंडल यूज़ हुआ है वही सेम हैंडल मैं आपकी क्लासिक के लिए बहुत अच्छे हैवी मटेरियल में लेकर आऊँगा। और उसमें सबसे खास बात यह है कि हैंडल के बार एंड जो होते हैं, हैंडल के साइड में लोहा लगा होता है, लोहे के आयरन के लगे होते हैं, हैंडल वेट बोलते हैं उनको, वो भी लग सकते हैं उसके अंदर। तो कबीर सिंह वाला हैंडल भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें RD350 का भी हैंडल दिखाऊँ। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिल्ला बिलिंग, नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, बाकी और वीडियो लेकर आते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, आज आगे और अमेजिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।